हर श्रेणी में ईमानदार और धोखेबाज हर तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो बहुत पैसे वाला हो वो कहीं से लूट कर ही लाया हो, या फिर हर वो इंसान जो बहुत गरीब है वो ईमानदार भी हो। मेरे कुछ बच्चे बहुत अमीर होते हुए भी उनके मन में कभी भी कोई भी घमंड नहीं आया। और फिर मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत कष्ट से 3 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, मेहनत करने से कभी नहीं कतराते हैं। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जन्म से तुम चाहे अमीर या गरीब या मध्यम वर्गीय, जिस भी परिवार में जहाँ भी जन्म लिया वो तो किस्मत की बात थी, लेकिन तुम अपने कर्म से अपने भविष्य को बदल सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि पैसे जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम हमेशा संस्कार से जीना। हर चीज़ का एक संस्कार होता है, उसे तुम हमेशा लेकर चलना और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी धन दौलत के साथ साथ संस्कार भी देना। अपने बच्चों को सिर्फ धन दौलत दे देने से तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता, या फिर सिर्फ अच्छे विद्यालय में शिक्षा दे देने से ही नहीं हो जाता, बल्कि उन्हें संस्कार भी देने पड़ते हैं, अपने रिवाजों के बारे में भी समझाना पड़ता है। और हो सकता है कि तुम में तुम्हारे बच्चों में थोड़ा बहुत मन मुटाव हो, तो अपनी बातें भी कहना और सामने वाले की भी सुनना। और एक स्त्री को स्त्री की वेशभूषा में और एक पुरुष को पुरुष की वेशभूषा में ही तुम देखकर स्वीकार कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम कभी चुनरी उड़ाकर प्यार से जो निहारते हो ना, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा भी हूँ, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। हाँ, शरीर के रूप में तुम्हारे माँ बाप हैं जिनकी तुम पहचान कर सकते हो, लेकिन जन्मों जन्मों से और जन्मों जन्मों तक, शुरू से ये कह लो कि शुरू से अनंत तक, मैं ही तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारा पिता रहा हूँ और मैंने ही तुम्हारा सदैव मार्गदर्शन किया है। बस ये उसी का प्रेम है जो झलकता है और मुझ पर कभी क्रोधित होते हो, कभी अत्यंत प्यार से मेरे साथ व्यवहार करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं होने दे सकता, और इसलिए परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती है कि किसी के बजाय तुम्हें ही मुझे सेवा देनी पड़ती है। हमेशा आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।